यज्ञदत्त जी के पिता फौज में थे। पढ़ाई करने के बाद यज्ञदत्त ने भी नौकरी की तरफ रुख किया, लेकिन वो ज्यादा समय तक नौकरी नहीं कर पाए और वापस अपने घर आ गए। बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए उनके ये प्रयास काफी नहीं थे, इसके लिए यज्ञदत्त दिल्ली आ गए और यहाँ कई जगह नौकरी की। इन नौकरियों में यज्ञदत्त की जिंदगी तो संभल रही थी, लेकिन एक खालीपन कायम था जिसकी भरपाई कैसे की जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बड़े शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी को राहत देने के लिए यज्ञदत्त ने गांव वापस आकर जैविक खेती का रुख किया। बेसिकली मेरे फादर एक्स आर्मी मैन रहे हैं, देन उसके बाद में उन्होंने जॉब स्टार्ट किया अपना नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में, ट्रांसपोर्ट डिवीजन में। हम लोग 6 बहन भाई हैं। अब क्योंकि परिवार बड़ा था, पापा का परिवार भी बड़ा था, 6 चाचा ताऊ हमारे, तो पूरा स्ट्रगलिंग भरा लाइफ हमने स्टार्ट किया। जैसे तैसे हमने 12वीं पास करके ग्रेजुएशन के लिए हम अपनी सिस्टर के पास चले गए गाजियाबाद। वहाँ हमने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया और ग्रेजुएशन करते करते हमारे पास ऑफर आ गया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से। तो 3-4 महीने हमने जॉब किया और फाइनल ईयर के एग्जाम थे जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा। घर आ गए वापस, अपना वही स्ट्रगलिंग शुरू किया हमने, गाय भैंसों का काम करना, खेती बाड़ी करना, ये सब बला बला चलते रहा। अपने इस फैसले को फलीभूत करने के लिए यज्ञदत्त ने थोड़े अनुभव और बड़े इरादों से शुरुआत की। एक साल खेतों में मेहनत करने के बाद भी यज्ञदत्त को सफलता नहीं मिली। यज्ञदत्त ने इस असफलता के बीच सफलता की कुंजी खोलने के प्रयास तेज कर दिए और बाजार में जैविक उत्पादों के बारे में जानकारी पता की ताकि उन्हें उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इसके लिए यज्ञदत्त ने घर घर तक अपने जैविक उत्पाद पहुँचाना शुरू किए। इस समय में इनके साथ करीब 1000 परिवार जुड़ चुके हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा जैविक खेती के फायदे किसानों तक पहुंचाने के लिए यज्ञदत्त ने बाकी किसानों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आज उनके सफर में करीब 7,500 किसानों का कारवां है और ये बड़ी बात है कि आज उनके उत्पाद देश ही नहीं विदेशों में भी भेजे जाते हैं। धीरे धीरे फिर हमने बात की कि हम लोग फैमिलीज को टारगेट करते हैं, जो अपने से जुड़े हुए परिवार हैं उनको हमने बताया कि हम लोग खेती कर रहे हैं और जो भी क्रॉप पैदा होगी नेचुरल वो हम आप तक पहुंचाएंगे फ्रेश। उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, देना शुरू किया। एक फैमिली, दो फैमिली, 10 फैमिली, 25 फैमिली, 500 फैमिली, परिवार बढ़ते गए। और जिस परिवार में चीज़ें चली जाए इस फार्म से वो देख के सरप्राइज हो कि यार ये कैसे तैयार किया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने थोड़ी सी मेहनत की और नेचुरल तरीके से उसको बनाया, उगाया, उसको मैंने परिवारों में देना शुरू कर दिया। आज की डेट में हमारे साथ करीब 1000 फैमिली एसोसिएट हैं। अब 1000 फैमिलियों के साथ में हम लोग बड़े आराम से अपना टर्नओवर घुमा रहे हैं। यज्ञदत्त मानते हैं कि एक फसल दूसरी फसल की पूरक होती है, इसके लिए वो फसल विविधीकरण पर जोर देते हैं, इससे फसल की बेहतर पैदावार मिलती है। इसके अलावा यज्ञदत्त जीवामृत और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। अपने इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की जो खेत से लेकर बाजार तक काम आती है। इसके अलावा यज्ञदत्त उत्पाद बनाने में पारंपरिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिसमें महिलाएं मदद करती है। वो मानते हैं कि इन तरीकों से उत्पाद की पौष्टिकता बनी रहती है। अपने इन अनुभवों को साझा करने के लिए वो समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। एक बार में करीब 20 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। हम लोग फार्मर्स का वीकेंड्स पे सेशन बुलाते हैं, करीब 20-20 फार्मर्स बुलाते हैं हम लोग एक साथ और उनको ट्रेनिंग देते हैं अपनी जैविक से रिलेटेड कि उन्होंने क्या उगाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खेत के चारों ओर कैसे अपना बफर जोन तैयार करना है, कितने एरिया में बफर जोन तैयार करना है और कितने खेत से शुरुआत करनी है, कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़े एटलीस्ट 1 एकड़ से शुरुआत करें। अपने नेक इरादों पर चलकर यज्ञदत्त ने न सिर्फ सफलता पाई है बल्कि इस राह में और भी किसानों को शामिल किया है। जैविक खेती की ओर बढ़ता किसानों का ये रुझान भविष्य में मानव जीवन को फिर से पोषण से भरपूर भोजन देने में मददगार होगा। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे एक सफल किसान से। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी को सुनकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे।
तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं, खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। समय से करेंगे बुआई, तभी होगी अच्छी कमाई। खेत उगलेगा सोना, गेहूं की कर लें बुआई। देखिए विचार विमर्श, गेहूं की बुआई मोटी कमाई, 12 नवंबर शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सफर का ये पड़ाव जरूर आखिरी है, पर थोड़े लम्हों का एहसास अब भी बाकी है। हर पहलू में कई रंग मिले जीवन के, पर थोड़े रंगों में रंगना अब भी बाकी है। कई अद्भुत मंजर देखे, कई नई बातें जानी, पर थोड़ी जिंदगी की मुस्कान इस वक्त की सुराही में अब भी बाकी है। भावनात्मक जुड़ाव मुझे जो है इससे नजर आता है। मीलों चलकर अब मंजिल के करीब हूं मैं, पर गंगा से विदा लेना अब भी बाकी है। इस शो ने और गंगा ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुमूल्य है। रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा देखना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे आपके अपने दूरदर्शन नेशनल पर। एक आविष्कार जिससे बदल जाएगा फलों का रखरखाव। आपके किचन में वो फलों को सड़ने से बचाएगा। जो किसानों को होने वाले नुकसान से बचाएगा। वो आविष्कार है सुपर गार्ड। ना बिजली का खर्च और ना मेंटेनेंस का झंझट। देखिए फलों का सुपर गार्ड, नए भारत के नए किसान में, शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जो पहुंचाता है त्वचा को नुकसान। और करता है तन से अधिक मन पर असर। त्वचा का एक गंभीर रोग विटिलिगो ल्यूकोडर्मा यानी शरीर पर सफेद दाग, कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार लाइव पूछिए मशहूर होम्योपैथ विशेषज्ञ से। स्वस्थ किसान शाम 6 से 7 बजे। हमारी टोल फ्री नंबर है 1-800-11-3060 और 1-800-11-3061।
केवल दूरदर्शन किसान पर। शिलोंग हॉलीडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलीडे होम, शिलोंग हॉलीडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलीडे होम, शिलोंग हॉलीडे होम। डॉक्टर कर देंगे बंटा धार, सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे, ये जीवन लेंगे, खेड़ा तो ठन ठन गोपाल। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांप बन जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोल माल गोल माल गोल 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 माल अस्पताल, गोल माल अस्पताल। सुनी नाना हमार, बिनतिया सुनी नाना हमार, बाबा बरगद पूरा वही बिनतिया, बिनतिया सुनी नाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी।
इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।